بسم الله الرحمن الرحيم. حم والكتاب المبين. إنا أنزلناه في ليلة مباركة إنا كنا منذرين. فيها يفرق كل أمر حكيم. أمرا من عندنا إنا كنا مرسلين. رحمة من ربك إنه هو السميع العليم. رب السماوات والأرض وما بينهما إن كنتم موقنين. لا إله إلا هو يحيي ويميت ربكم ورب آبائكم الأولين. اللہ کے نام سے جو بڑا ہی مہربان اور رحم کرنے والا ہے. حامیم. قسم ہے اس سپشٹ کتاب کی کہ ہم نے اسے ایک بڑی بھلائی اور برکت والی رات میں اتارا ہے, کیونکہ ہم لوگوں کو ساودھان کرنے کا ارادہ رکھتے تھے. یہ وہ رات تھی جس میں ہر معاملے کا تتو درشتا یکت نرنے ہمارے آدیش سے پرچلت کیا جاتا ہے. हम एक रसूल भेजने वाले थे तेरे रब की दयालुता के रूप में. निश्चय ही वो सब कुछ सुनने और जानने वाला है, आसमानों और जमीन का रब और हर उस चीज का रब जो आसमान और जमीन के बीच है. यदि तुम लोग वास्तव में विश्वास रखने वाले हो, कोई माबूद यानी आराध्य उसके सिवा नहीं है. वही जीवन प्रदान करता है और वही मृत्यु देता है. तुम्हारा रब तुम्हारे उन पूर्वजों का रब जो पहले गुजर चुके हैं. بل هم في شك يلعبون. فارتقب يوم تأتي السماء بدخان مبين. يغشى الناس هذا عذاب أليم. ربنا اكشف عنا العذاب إنا مؤمنون. أنى لهم الذكرى وقد جاءهم رسول مبين. ثم تولوا عنه وقالوا معلم مجنون. إنا كاشف العذاب قليلا إنكم عائدون. किंतु वास्तव में इन लोगों को विश्वास नहीं है, बल्कि ये अपने संदेह में पड़े खेल रहे हैं. अच्छा, प्रतीक्षा करो उस दिन की जब आकाश प्रत्यक्ष धुआं लिए हुए आएगा और वो लोगों पर छा जाएगा. ये है दुखदायिनी यातना. अब कहते हैं कि पालनहार, हम पर से ये यातना टाल दे, हम ईमान लाते हैं. इनकी बेसुधी कहां दूर होती है. इनका हाल तो ये है कि इनके पास रसूले मुबीन आ गया, फिर भी इन्होंने उसकी ओर ध्यान न दिया और कहा कि ये तो सिखाया पढ़ाया बावला है, हम तनिक यातना हटाए देते हैं, तुम लोग फिर वही कुछ करोगे जो पहले कर रहे थे. يوم نبطش البطشة الكبرى إنا منتقمون. ولقد فتنا قبلهم قوم فرعون وجاءهم رسول كريم. أن أدوا إلي عباد الله إني لكم رسول أمين. وأن لا تعلوا على الله إني آتيكم بسلطان مبين. وإني عذت بربي وربكم أن ترجموني وإن لم تؤمنوا لي فاعتزلون. فدعا ربه أن هؤلاء قوم مجرمون. جس دن ہم بڑی چوٹ لگائیں گے وہ دن ہوگا جب ہم تم سے بدلہ لیں گے. ہم ان سے پہلے فرعون کی جاتی کو اسی پریکشا میں ڈال چکے ہیں. उनके पास एक अत्यंत भला रसूल आया और उसने कहा, अल्लाह के बंदों को मुझे सौंप दो, मैं तुम्हारे लिए एक अमानतदार रसूल हूं. अल्लाह के मुकाबले में उद्दंडता न दिखाओ. मैं तुम्हारे सामने अपनी नियुक्ति का स्पष्ट प्रमाण प्रस्तुत करता हूं
और मैं अपने रब और तुम्हारे रब की शरण ले चुका हूँ इससे कि तुम मुझ पर आक्रमण करो अगर तुम मेरी बात नहीं मानते तो मुझ पर हाथ डालने से बाज रहो। अंततः उसने अपने रब को पुकारा कि ये लोग अपराधी हैं। فأسر بعبادي ليلا إنكم متبعون واترك البحر رهوا إنهم جند مغرقون كم تركوا من جنات وعيون وزروع ومقام كريم ونعمة كانوا فيها فاكهين كذلك وأورثناها قوما آخرين فما بكت عليهم السماء والأرض وما كانوا منظرين ولقد نجينا بني إسرائيل من العذاب المهين من فرعون उत्तर दिया गया, अच्छा तो रातों रात मेरे बंदों को लेकर चल पड़, तुम लोगों का पीछा किया जाएगा। समुद्र को उसके हाल पर खुला छोड़ दे, ये सारी सेना डूब जाने वाली है। कितने ही बाग और स्रोत और खेत और भव्य महल थे जो वे छोड़ गए, कितनी ही सुख सामग्री जिनमें वे मजे कर रहे थे उनके पीछे धरी रह गई। ये हुआ उनका परिणाम और हमने दूसरों को इन चीजों का उत्तराधिकारी बना दिया। फिर न आकाश उन पर रोया न धरती और तनिक सी मोहलत भी उनको न दी गई। इस प्रकार इसराइल की संतान को हमने अत्यंत अपमान युक्त यातना फिरौन से छुटकारा दिया जो सीमोल्लंघन करने वालों में सचमुच उच्च श्रेणी का आदमी था। ولقد اخترناهم على علم على العالمين وآتيناهم من الآيات ما فيه بلاء مبين إن هؤلاء ليقولون إن هي إلا موتتنا الأولى وما نحن بمنشرين فأتوا بآبائنا إن كنتم صادقين أهم خير أم قوم تبع والذين من قبلهم أهلكناهم إنهم كانوا مجرمين اور ان کی حالت جانتے ہوئے ان کو سنسار کی انی جاتیوں کے مقابلے میں پراتھمکتا دی اور انہیں ایسی نشانیاں دکھائیں जिनमें स्पष्ट परीक्षा थी। ये लोग कहते हैं हमारी पहली मृत्यु के सिवा और कुछ नहीं, उसके बाद हम पुनः उठाए जाने वाले नहीं हैं। अगर तुम सच्चे हो तो उठा लाओ हमारे बाप दादा को, ये अच्छे हैं या तुब्बा की जाति और उससे पहले के लोग। हमने उनको इसी कारण विनष्ट किया कि वे अपराधी हो गए थे। وما خلقنا السماوات والأرض وما بينهما لاعبين ما خلقناهما إلا بالحق ولكن أكثرهم لا يعلمون إن يوم الفصل ميقاتهم أجمعين يوم لا يغني مولى عن مولى شيئا ولا هم ينصرون إلا من رحم الله إنه هو العزيز الرحيم إن شجرة الزقوم طعام الأثيم ये आकाशों और धरती और इनके बीच की चीजें हमने कुछ खेल के रूप में नहीं बना दी हैं। उनको हमने हक के आधार पर पैदा किया है किंतु इनमें से अधिकतर लोग जानते नहीं हैं। इन सब के उठाए जाने के लिए निश्चित समय निर्णय का दिन है, वो दिन जब कोई अपना निकटतम व्यक्ति अपने किसी निकटतम के कुछ भी काम ना आएगा और ना कहीं से उन्हें कोई सहायता पहुंचेगी सिवाय इसके कि अल्लाह ही किसी पर दया करे, वो प्रभुत्वशाली और दयावान है। जक्कूम यानी थूहड़ का पेड़
गुनहगार का खाना होगा, तेल की तलछट जैसा। كالمهل يغلي في البطون كغلي الحميم خذوه فاعتلوه إلى سواء الجحيم ثم صبوا فوق رأسه من عذاب الحميم ذق إنك أنت العزيز الكريم. पेट में वो इस तरह जोश खाएगा जैसे खौलता हुआ पानी जोश खाता है। पकड़ो इसे और रगेतते हुए ले जाओ इसको जहन्नम के बीचों बीच, और उंडेल दो इसके सिर पर खौलते पानी का अजाब यानी यातना। चख इसका मजा, बड़ा जबरदस्त इज्जतदार आदमी है तू। إن هذا ما كنتم به تمترون إن المتقين في مقام أمين في جنات وعيون يلبسون من سندس وإستبرق متقابلين كذلك وزوجناهم بحور عين يدعون فيها بكل فاكهة آمنين لا يذوقون فيها الموت إلا الموتة الأولى ووقاهم عذاب الجحيم فضلا من ربك ذلك هو الفوز العظيم فإنما يسرناه بلسانك لعلهم يتذكرون فارتقب إنهم مرتقبون. ये वही चीज है जिसके आने में तुम लोगों को संदेह था। अल्लाह का डर रखने वाले निश्चिंतता की जगह में होंगे, बागों और स्रोतों में रेशम और कमखाब के वस्त्र पहने आमने सामने बैठे होंगे। ये होगा उनका गौरव, और हम गोरी गोरी मृगनयनी स्त्रियों से उनका विवाह कर देंगे। वहां वे निश्चिंतता पूर्वक हर प्रकार की स्वादिष्ट चीजें तलब करेंगे। वहां मृत्यु का मजा वे कभी न चखेंगे। बस दुनिया में जो मृत्यु आ चुकी सो आ चुकी, और अल्लाह अपने अनुग्रह से उनको नरक यातना से बचा देगा। यही बड़ी सफलता है। ए नबी, हमने इस किताब को तुम्हारी भाषा में आसान बना दिया है ताकि ये लोग नसीहत हासिल करें। अब तुम भी प्रतीक्षा करो, ये भी प्रतीक्षा में हैं।